बहुत टफ रहा, पैरों में दर्द हो गया चढ़ाई चढ़ने में। अच्छा, ऐसे कितनी चढ़ाई थी भाई? चढ़ने में दर्द हो गया? थोड़ी चढ़ाई चढ़ी थी, बाकी तो 300 सीढ़ियां चढ़कर साढ़े मंदिर, 300 है, 250 है, पता नहीं जितनी भी है चढ़ लेंगे। अब यहाँ तक आए तो सीढ़ियां भी चढ़ के ही जाएंगे। बर्गर की ये पूरी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस आज हम जा रहे हैं बरसाने राधा रानी मैया के दर्शन करने के लिए, उसके बाद जाएंगे गाइस बिहारी जी। हो सका तो, वैसे थोड़ा लेट हो गए हम लोग, चलते हैं गाइस, देखते हैं जो भी होता है। और आज हमारी पूरी फैमिली जा रही है, हमारे जीजा जी, दीदी और पूरे चिल्ड्रन पार्टी। गाइस मिलते हैं आपसे आगे। टेकलू कौन है ये? जय बेटे, देखो जय जय, कौन है ये कैमरे में? कौन है ये? हो रही है पीछे पार्टी, पूरी सब्जी की पार्टी। अच्छा पिट्टू, चाय की पार्टी हो रही है, पूरी सब्जी। अच्छा वेरी गुड। तो मैंने, सो गाइस यहाँ पूरी और सब्जी पार्टी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मैं भी हिस्सेदार बन जाऊँ। तो गाइस मैं भी एक पूरी का हिस्सेदार बन चुका हूँ उस पार्टी में। पूरे ब्लॉग कैप्चर हो रहे हो, ठीक है। और बिट्टू, राधा रानी की जय। कितना यहाँ से भैया? 2 किलोमीटर होगा, 350 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हम। राधा रानी ने हमें बुलाया है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं राधा रानी मंदिर के बाहर। बस यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रह गया है। और किट्टू दीदी क्या कहना चाहोगी आप? राधा रानी ने हमें बुलाया तो हम जाएंगे 350 सीढ़ियाँ चढ़कर। 350 है, 250 है, पता नहीं जितनी भी है चढ़ लेंगे। अब यहाँ तक आए तो सीढ़ियाँ भी चढ़ के ही जाएंगे। और लाला की मम्मी, तुम कुछ बोलोगे? जय की मम्मी, राधे राधे। बस राधे राधे बोल पाओगी? इससे आगे कुछ नहीं बोल पाओगी? नहीं नहीं नहीं, बस राधे राधे, ठीक है। और तुम कुछ? राधे राधे ही बोलेंगे। जय श्री राधे। तो दोस्तों जीजू हमारे गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी थक चुके हैं। ये देखिए, बोल रहा हूँ कि मैं चला रहा हूँ तो मान ही नहीं रहे। नहीं नहीं मैं ही चलाऊँगा पूरी वहाँ तक, मंदिर तक गाड़ी मैं ही ले जाऊँगा। कहीं हमने इनको बताया था कि 80 से 90 किलोमीटर दूरी पर हमारे घर से लगभग 160 किलोमीटर दूरी पर पड़ रहा है ये मंदिर। तो कहीं जीजू बहुत थक चुके हैं गाड़ी चलाते चलाते। सो भाई फाइनली हम लोगों ने गाड़ी कर दी है पार्क अपनी। हम दूसरे वाले रास्ते से आए, जो पहला रास्ता गए वहाँ पर 250 सीढ़ी चढ़ के जानी पड़ती है। अब हम आए दूसरे वाले रास्ते से, गए काफ़ी ऊपर चढ़ाई पर जाके मंदिर है। ये देखिए, ये पूरी गाड़ी जा रही है हमारी गैंग चिल्ड्रन पार्टी उत्तम करते हुए। गाइस ये देखिए, ये हमारा जा रहा है भांजा, जिया जी उसको लेके जा रहे हैं। जिया जी भी थक चुके हैं। अब गाइस थोड़ा सा वीडियो मैं बना लूँ, फिर उसके बाद मैं भी उसको गोदी में लूँगा, फिर मैं जाऊँगा। ये देखिए कैसे घूर रहा है मुझे, क्योंकि फ्लैश जल रही है मेरे फ़ोन की और उसको आवाज़ दे रहा हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी घूम रहा है। जय जय। ये देखिए गाइस कितनी ऊँचाई पर आप देख पा रहे हो। ये देखिए एकदम जो लाइटें जल रही हैं गाइस, ये घर हैं यहाँ पर, कितने छोटे लग रहे हैं हम, काफ़ी ऊँचाई पर। यूँ लग रहा है कि हम शिमला वगैरह आए हुए हैं, क्योंकि शिमला से भी इतना ऊंचाई दिखती है गाइस। ये देखिए आप कितनी ऊंचाई पे मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई है गाइस यहाँ पर। ये देखिए गाइस, ये एकदम आ चुके हैं मंदिर के एकदम भारी, थोड़ा सा दूरी रह गया गाइस यहाँ से मंदिर। ये देखिए सारे अभी से ही काफ़ी पहले से ही प्रसाद की दुकानें हैं यहाँ, चुंदरी वगैरह, प्रसाद वगैरह, और भी सारे बच्चों की चीज़ें भी हैं। जैसे कि सर कितने सारे गाइस भीड़ हो रखी है यहाँ पर। ये देखिए, ये है गाइस श्री राधा रानी जी का मंदिर। मैं तो गाइस पहली बार आया हूँ इस मंदिर में गाइस, अब भी पीछे वाले रास्ते से आए हैं, जो फ्रंट वाला रास्ता है उस रास्ते से हम लोग आए भी नहीं है। रात में ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है गाइस, पर रियल में बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा मंदिर। सो फाइनली गाइस हमने इन भैया से प्रसाद लिया है, फूल माला और प्रसाद। ये फाइनली हम लोगों ने प्रसाद ले चुका है, अब चलते हैं सीधे मंदिर की ओर। वैसे काफ़ी लेट हो चुके हैं वैसे। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए गाइस, यहाँ वीडियोग्राफी करना तो मना है, पर मैं तब भी आपको श्री राधा रानी जी के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए गाइस सामने ही लिखा हुआ है वीडियोग्राफी करना मना है गाइस, तब भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं। किट्टू की भी जो मंत्र पढ़ रही थी, किट्टू जो मनोकामना मांग रही थी, किट्टू की भी मनोकामना पूरी हो चुकी है गाइस। ये देखिए आप, ये देखिए कितना स्पेस है इस मंदिर के अंदर गाइस, काफ़ी स्पेस है। मतलब स्पेस तो बिहारी जी के मंदिर में भी, पर वहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। भीड़ तो गाइस यहाँ भी रहती है, पर अभी हम जब आए हैं तो थोड़ी सी कम भीड़ है। मतलब भीड़ कम, मतलब क्या बोलना, भीड़ तो है ही तब भी, पर कम है गाइस, जैसे कि नॉर्मल और दिन होती है उससे कम है। ऐसे देखिए एकदम मैं जूम कर दिया। चलिए गाइस फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे रहे हमारे दर्शन।
भाई क्या कहना चाहोगे आप, कैसा रहे दर्शन आपके? काफी अच्छे दर्शन थे, भीड़ भी हो रही थी अच्छी खासी और दर्शन भी काफी अच्छे हुए। चलिए गाइस चलते हैं आगे। फाइनली गाइस अभी आप लोग ऐसे निकल रहे थे, सोचा कि गिरिराज जी महाराज के दर्शन करते हुए चले हैं। हम रास्ता भटक गए थे तो गिरिराज जी महाराज का मंदिर भी हमको दिखा, सोचा दर्शन करते हुए चले। ये हमारे श्री गिरिराज जी महाराज का मंदिर है गाइस, ये देखिए यहीं से गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट होती है गाइस। तो दोस्तों ये देखिए, ये बड़ी परिक्रमा का मार्ग है, छोटी परिक्रमा वहाँ पर खत्म होने के बाद यहाँ से बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है गाइस। ये देखिए ये मंदिर है और यहाँ छोटी परिक्रमा स्टार्ट होती है, यहाँ से एकदम पूरा घूम के आना पड़ता है, फिर यहीं खत्म होती है आके और फिर यहाँ से बड़ी परिक्रमा स्टार्ट होती है। ये पूरा मंदिर है और ये हमारे गिरिराज जी महाराज। सो वैसे देखिए यहाँ से आने का रास्ता है पूरा, ये पूरा यहाँ फोटोग्राफी का मना है, तब भी मैं साइड में आके वीडियो बना रहा हूँ। देखिए ये बैठे हमारे श्री गिरिराज जी महाराज, देखिए पूरा मंदिर है, इस मंदिर में भी काफ़ी स्पेस है। तो दोस्तों मंदिर के बाहर ही आए थे तो हमको ये भैया दिखाई दिए फूले वाले, तो सब लोगों ने बोला कि यहाँ से फूले ले लो, गाड़ी में चलते चलते टाइम पास भी हो जाएगा क्योंकि सब लोगों को नींद भी आ रही है गाइस। अम्मा तो जे लो फूला लो ले जाओ तुम, ठीक है भाई भाई। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं आगरा अपने घर गाइस। जैसा कि आपको पता है कि मैं आगरा में रहता हूँ, ये देखिए हम आए हुए हैं गाइस मैकडी पे, थोड़ा भूख लगी तो जीजू बोल रहे कि मैकडी चलते हैं, सब लोगों की भी डिमांड थी मैकडी जाने की, तो हम सब पैक करा के ले जा रहे हैं क्योंकि लेट हो गए हैं, यहाँ मैकडी वाले खाने नहीं दे रहे हैं। जिया जी बहुत खुश हैं, ये कह रहे हैं कि आराम से घर बैठ के खाएंगे। और ये देखिए ये सारे बच्चे लोग, बच्चा गैंग पूरी। ये जा रहे हैं अपने घर, ये घड़ी गाड़ी हमारी, अब गाइस चलते हैं सीधे घर। बर्गर की ये पूरी यह पूरी संभाला हुआ है व्यवस्था को, किसका कौन सा है सारी व्यवस्था संभाले हुए हैं। देखते रहना कुछ उठाना ले पर इसको, ये हमारा बर्गर गाइस और ये हमारे जिया जी सारी व्यवस्था को देखने में लगे पड़े हैं। सो गाइस फाइनली अपने ब्लॉग को करते हैं इधर ही समाप्त। तो कैसा रहा ये बताओ मंदिर का? बहुत टफ रहा, पैरों में दर्द हो गया चढ़ाई चढ़ने में। अच्छा ऐसे कितनी चढ़ाई थी भाई चढ़ने में दर्द हो गया? थोड़ी चढ़ाई चढ़ी थी, बाकी तो कार से ही गए थे। तो गाइस काफ़ी अच्छे रहे हमारे दर्शन राधा रानी मैया के मंदिर में, आप भी जगह जाइएगा कभी, काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शन होते हैं, बाकी बिहारी से कम भीड़ रहती है। चलिए अपने ब्लॉग को करते हैं जरिए समाप्त। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।